कहते हैं भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है, और उसको हम अगर एक्सेप्ट कर लें तो हम खुश रहते हैं हर परिस्थिति में। जी हाँ, मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हम आए हैं अनामिका जी के पास। जी हाँ, अनामिका सारस्वत, जो इंग्लिश भी बोलती हैं लेकिन सड़कों पर रहती है किसी कारणवश, और इन्होंने आज हमें बताया कि भगवान क्या है, इस पर बुक भी लिख रही हैं और बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इसके लिए आपको इनका ये इंटरव्यू देखना होगा जो हमने लिया है, तो आप प्लीज़ देखिए। हालांकि इनका मन नहीं था आज बात करने का, स्टिल हमने कोशिश की तो थोड़ी बहुत बातें जान पाए इनसे और इनके बारे में थोड़ा बहुत समझ पाए। ये मोदी जी से नाराज है, आप हमसे नाराज हो गए? भाषा नहीं आती, नाराज है। ये दादी अम्मा कोई ऐसी शख्स नहीं है, इनके इंटरव्यू के लिए कतार लगी हुई है। पहले तो इन ग्रैनी ने हमें भगाया, वो हमसे गुस्सा भी हुई, कंबल से मुंह भी छिपाया। फिर हमने पूछा कि आप नाराज क्यों हैं? देखिए कैसे एक नन्ही सी बच्ची सी हरकतें कर रही दादी अम्मा ने क्या जवाब दिया। आप हमसे नाराज हो गए? भाषा नहीं आती, नहीं आप नाराज हो गए हमसे? आप गुस्सा क्यों हो मेरे से? मैं तो आपसे इतने दूर से मिलने आई हूँ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो मेरे से? अम्मा जी थोड़ी सी भी बात नहीं करोगे आप? आप मेरे से ही गुस्सा होगे, बाकी लोगों को तो आपने बड़े प्यार से बात किया। हम जब टाइम के अकॉर्डिंग गए तो फिर हमसे अनामिका उर्फ आशा देवी सारस्वत ने कहा थोड़े और देर बाद आना, तो फिर मेरे निकल गए प्राण और बाहर आ गए रिएक्शन, जिस पे ग्रैनी ने बोली ये प्यारी बात। एक घंटे बाद आएगा, अभी क्या टाइम है? चार बजे। फिर दोबारा नहीं लौटा, चार बज रहे हैं। चार है। हाँ। तो तू एग्जैक्ट छह बजे, रो मत, एग्जैक्ट छह बजे आ जा, माय क्यूट बेबी छह बजे आ जा। बहुत मनाने के बाद ये दादी अम्मा मान गई, हमें क्यूट बोला और कहा शाम को आओ। ये ग्रैनी ऐसी वैसी नहीं है, ये काफी फेमस है सोशल मीडिया पर, ये सिर्फ लिक्विड पर रहती हैं। आखिरकार दादी अम्मा मान गई और बोली 15 साल पहले तो लिक्विड भी नहीं लेती थी। ग्रैनी अनामिका काफी दार्शनिक है, इनको हरने हैं सबके दुख, अपने साथ हुई अनहोनी पर ज्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन इतना जरूर कहती हैं कि कौन कैसे रहेगा ये सब भगवान की मर्जी। अब तक आप ये वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि ये ग्रैनी है मनमोजी, जब उनका मन होगा वो दिल खोल कर बातें करेंगी। उनकी इस हंसी के पीछे गहरा दर्द छिपा है, लेकिन उन्होंने इसे नियति मान लिया है। बातचीत में हमसे खुली तो कई सारी बातें बता डाली। ठीक है, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा पाप नहीं कर, पहले तो 15 साल हो गए, चार चार दिन पानी भी नहीं पीती थी, जेठ बैसाख गर्मी में भी, पता नहीं भगवान ने क्या, सर्दी में कपड़े, भगवान ने आपको ताकत दी। हाँ, कपड़े नहीं पहनती थी, अब पहनने लगी तो चलो लो कुछ नहीं, आपको मतलब उतनी ताकत दी है? हाँ उसकी दी, वो जो कराना चाहता है उसको रजा बना दे, सारा खेल उसका है। और वो चीज आपने एक्सेप्ट की है जो भगवान ने किया है? वो उसी तरीके से चलाता है जिससे उसको, जिससे जो काम लेना है। ये आपने बिल्कुल सही बोला, बस हम सोचते रहते हैं। हाँ आप समझिए, वो अपने हिसाब से वही होता है, बहुत बड़ा खिलाड़ी। आशा देवी सारस्वत उर्फ अनामिका की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी, पहले बहुत शानदार हुआ करती थी उनकी जिंदगी, वो अरबपति थी, कभी कोठियों और गाड़ियों की मालकिन थी, पर आज किस्मत की मार ने उन्हें सड़कों पर ला दिया है। आशा देवी उर्फ अनामिका पढ़ी लिखी हैं, वो बीकॉम पास हैं, एक समय वो दिल्ली की सबसे अमीर महिला थी, उसके परिवार का सिल्वर का होलसेल का कारोबार था, पर कहते हैं ना भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, वही हुआ और इन्होंने ऊपर वाले की मर्जी को अपनाया और वो खुश है। मैं जब मेरा घर हो जाएगा, बिकती रहती, जब घर हो जाएगा तब मैं
सरे मैदान में आऊंगी, तब आना करोड़ों। कैसी लगी आपको स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और अपडेटेड स्टोरी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती, मेरे साथ है अजीत सिंह, आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।